अपना भाई है पहले वाला अपना भाई। लेकिन किया अपने, क्योंकि अपने आप को मैंने चेंज किया, किया सब काम किया। और मुझे याद एक ट्रेनिंग में एक बार बताया गया था, जब जब तू अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा ये धंधा में तू खड्डे में गिरेगा, और जब जब तू अपना दिमाग बंद करेगा, सिस्टम का दिमाग, अपलाइन का दिमाग इस्तेमाल करेगा, तू करोड़पति बनेगा। और ये बात मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो बैठ गई थी। और मुझे ये पता चला, मैं नौकरी छोड़ के इतने कब्जे के होने के बाद इस धंधे में आया हूं ना, ये जो बोलते वाजिस तो सुन ले, अगर ये कमा रहे ये बता रहे तो कुछ तो बात है। मैंने की वो सब काम किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बिजनेस में आया हूं तो नाटक किसका चलेगा, बिजनेस का नाटक मेरा। मैंने सरेंडर किया था तो मैंने सब नाटक सहन किया यार। फिर अपने स्किल को बढ़ाए, लोग स्किल नहीं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे भाई। पैसा कमाने आया है ना तो कमाना, और कैसे कमाएगा जब कुछ डेवलपमेंट करेगा अपने अंदर यार। क्या छोटी छोटी चीजें सिखाई यार, यही नहीं करते। लिस्ट बनाओ, कई लोग बोलते कैसे बनाओ, अरे कैसे बनाओ क्या, लिखना नाम लिखने में नहीं होता है क्या तेरे को, किसका लिखू जिसको तू जानता हो क्या, अमिताभ बच्चन का लिखेगा। इतना सिंपल सा काम भी ये नहीं कर पाते। मैं तो कई लिस्ट बनाई यार। और याद करो, जब आप नए हो तो इस धंधे में आपका लिस्ट सबसे बड़ा हथियार होता है आपके पास। मैं तो बोलता है दिन में 4 बार देखो उस लिस्ट को तो याद आएगा, अरे इसको मिलना है, इसको बताना है, इसका फॉलोअप, बाकी ये बाकी आपके पास सही नहीं तो देखोगे क्या। और याद रखो, मोबाइल वाला कॉन्टेक्ट का लिस्ट काम नहीं करता है, आपका लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट होना। कितने लोगों के पास है ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट? अरे वाह, कितने लोगों के पास अभी यहाँ पे मौजूद है? अरे इनके लिए ताली होनी चाहिए यार। एक छोटी पॉकेट डायरी रखा करो जेब में, जिसके अंदर उनके नाम होने चाहिए, बहुत काम करता है। फिर इनको 1-to-1 करना, इनविटेशन देना, बुलाना, बुलाना भी कलाकारी है। सेल्स ओपनिंग करना, GTS में कैसे बुलाए, होम मीटिंग कैसे कराए, उसके सवालों के जवाब कैसे दे, सेल्स क्लोजिंग करना, ये आर्ट है इस बिजनेस का, यही तो काम है। ये सीख जाओगे, कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ जो लीडर सिखा तो सीखो, और फील्ड में जाके इस्तेमाल करो, आप मास्टर बन जाओगे। इतना ही काम है, लोग फील्ड में नहीं जाते यार। ये 4 आर का मास्टर बनो, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, इसकी मास्टर हासिल करो, ये बड़ा काम करता है आपको। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में जाना, फंक्शन में जाना, ये सारी चीजें आपको डुप्लीकेशन करना सीखना पड़ेगा। ये मैंने सीखा, हर काम किया यार इस बिजनेस में। लोग तमाम तरह, मैं लिख के 10 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं लोगों के, 10 सवाल है। नए नए हो गए ना, मैक्सिमम 1 सवाल मैक्सिमम, आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैक्सिमम लोगों को इस तरह के सिस्टम पे या कंपनी पे विश्वास नहीं होता है। सही बात है ना? कितने लोग ये सुने, ये कंपनी की गारंटी नहीं है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, सुने हो ना? मुझे भी शुरू में बहुत लोग पूछते थे, क्या तेरी कंपनी की गारंटी है? बोला सर कंपनी के तो पता नहीं, मेरी गारंटी है। तू 10,000 दे रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट तेरे घर पे, और कंपनी बंद हो गई तो याद रख मुझसे 20,000 लेके जाना। किससे? मुझसे। किसकी गारंटी बेची मैंने? अपनी बेची यार। ये मैंने एक दुकानदार से सीखा। एक दुकानदार किसकी गारंटी बेचता है? आप किसी दुकान में जाते हो, किसकी गारंटी है? सोने में भी लोग गारंटी पूछते, सोना खरीदवाओ कितने कैरेट का है। दुकानदार क्या बोलता है? अबे बहन जी ले जाइए, आपकी दुकान है, 70 साल से चला रहा हूं। बोलता है या नहीं बोलता है? तो फोटो भी लगाया होता है, देखो मेरे दादाजी टोपी पहन के दादाजी बैठे, बगल में पिताजी है अपनी, साथ में बच्चा भी रहता है उसका, देख ये भी मेरा मुन्नू भी है इधर। एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 4 पीढ़ियों की गारंटी बेच दी यार। मरे हुए दादाजी की आज भी गारंटी बेच रहा है या नहीं बेच रहा है? या वो दादाजी को दिखा रहा है, बाप को दिखा रहा है, खुद को दिखा रहा है, बेटे को दिखा रहा है, सोना बेचने के लिए। और अब तो माई लाइफस्टाइल ना, जो कोई भी जानता नहीं वो बेचना है तो कितनी गारंटी देनी पड़ेगी यार। अपनी गारंटी देना सीखो,
और मैंने सीखा अपनी गारंटी कैसे देनी। कई लोग पूछे क्या गारंटी इनकम आती है, दिखा तेरा इनकम किधर है। मेरे पास नहीं थी, बोला अभी स्टार्ट किया हूं, 2-4 महीना हुआ है, तो कब आएगा पैसा। एक लाइन में आ गया है बिजनेस वॉल्यूम, तू आ जा, आ जाएगा पैसा अगले हफ्ते। आ गया अगले बुधवार को लाके दिखा देता हूं। फिर कई लोग बोले जब आएगा ना तब दिखाना। बोला ठीक है। फिर उसको बोला एक चीज पूछो क्या साहब। बोलते हाँ पूछ। बोला अगर सब आपकी तरह ही बोले तो कब आएगा रे। सही है ना, तो आप ही की तरह सब बोले दिखा। अरे तू आएगा ही नहीं तो दिखाऊं कहां से, आ तो पहले। तो सब सवाल झेलने पड़ेंगे यार, ये 8-10 सवाल के जवाब देना सीख जाओ। तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या गारंटी, मुझे कई ये तेवा ये प्रोडक्ट खाने से कुछ हो गया तो क्या होगा, हाँ साइड इफेक्ट हो गया तो, बीमार हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मुझे भी बहुत सवाल आए। गारंटी बेची, बोला देख तुझे लीव अगेन खाना है ना, ये कैप्सूल लू या लिक्विड लेगा। लिक्विड चाहिए, 2 चम्मच ला तेरे घर का। खुद ही 2 चम्मच पिया। कुछ हुआ आधा घंटा अपन बात करते, अगर मैं ठीक रहा तो लेगा। दिन में 2 प्रोडक्ट लेते हो, मानो आप लीव अगेन लेते हो, वेल हार्ट लेते हो, 2 के बाद दोनों जिसको गारंटी देनी है उसके सामने ढक्कन खोलो, उसका लीव अगेन पियो, आपका कोटा पूरा हो गया, उसको माल बेच के आ जाओ। कितना आसान है, ये कौन करेगा जिसको इस धंधे से प्यार है। ये वही करेगा जिसको माय लाइफस्टाइल में मजा आ रहा है। लेंगे हमें अपना मजा लेना है, तू लोगों का मजा ले यार। क्या धंधा मिला है यार, उसी का जवाब, उसी का पैसा, अपना कोटा, उसको मालविका रिटेल प्रॉफिट भी कमाया। धंधा मिला है, ये सोच उसी की बनेगी जिसको मजे लेने हैं। सो इन धंधे में लोग ना बोलते हैं तो बोलेंगे ना, कौन से धंधे, तू है कौन रे, शाहरुख खान है तुझे, हम बोलेंगे साला ना ही बोलेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है, क्यों दुखी होता है तू। मुझे कई लोग बोले सर अपनी प्रोडक्ट की ना एडवर्टाइजमेंट करवाओ टीवी पे, जब एडवर्टाइजमेंट होगा लोग समझेंगे तो लोग खरीदेंगे। बोला क्यों एडवर्टाइजमेंट चाहिए तुझे, अगर कंपनी को एडवर्टाइजमेंट ही करना होता तो हमारी आपकी जरूरत है क्या, किसको लेगा एडवर्टाइजमेंट बताओ, एड में किसको लेते, सेलिब्रिटी को ना। अब समझो मुझे ले लिया एड में, मैं जाके बताओ हमारा टॉयलेट क्लीनर MI होम का, आप बोलोगे इसकी शक्ल जैसा लग, खुद ही टॉयलेट जैसा दिखवा दे, यही बोलोगे ना, जैसा लग काली हमको क्या सिखा रहा है, आप दोस्त गाली मुझे दोगे, ये कौन सा स्टार आया, आपको कौन चाहिए वहां पे, अक्षय कुमार ही चाहिए। अब उसकी हिम्मत की दाद देता हूं यार, इतना बड़ा स्टार साला घर में घुस के टॉयलेट साफ करा रहा है, उसको तो शर्म नहीं आवेगी, आपको शर्म आवेगी क्योंकि आपकी इज्जत है, उसके पास तो है ही नहीं है, यही लगता है ना आपको, इसके लिए आप पीछे हो। हमारे पास सवाल बहुत है, आप सवालों में फंसे रहोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने कहा ना अब आपका काम सवाल पूछना नहीं है, क्योंकि आपकी आई डी लग गई, आपका काम है सवालों का जवाब। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फैमिली मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी तुझे, डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, ये करना पड़ेगा भाई, ये हर धंधे में करते लोग। ये मत पूछो हमारे धंधे में होता है, ये स्किल डेवलपमेंट हर धंधे में काम, आप छोटे छोटे स्किल है अपने आप सीख जाओगे। सर आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कौन सा यूट्यूब था उस वक्त, कहां से सीखे, फिर से ही सीखे ना। आज मैं कईयों को देख रहा, बीमारी हो गई यूट्यूब देखने की। मैं नहीं बोल रहा मत देखो, कुछ अच्छे लोग भी अच्छी चीजें भी बताते, लिमिटेड देखो यार, कई लोग घंटों देख रहे, घंटों। अब डालो यूट्यूब पे सेल्स क्लोजिंग, डायरेक्ट सेलिंग की, देखो 50 वीडियो आएंगे, एक बोलेगा 30 सेकंड में क्लोजिंग, एक बोलेगा बिना घर से बाहर गए आपके घर आके पैसा देंगे।
खतरनाक बताते हैं। साला ये आदमी 50 वीडियो देखता है, 30 सेकंड वाली अच्छी है, बिना घर से गए ये अच्छी है। साला अपन जाएगा ना अपने घर पे लोग आएंगे, साला हम पागल है गली गली घूमे हुए। साला 30 सेकंड में कैसे होती, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। साला मुझे क्लोजिंग करने में मेरे साहब को 1.5-2 साल लग गए, तो आपको 30 सेकंड में चाहिए। और इतना वीडियो देख के आप बाद में सोचते हैं कौन सा पलक कम हुए में। अब ऐसे कोई भी मत कर, ये जो करते ना वो कर ले तू, ये जो करते ये कर ले। और एक चीज आपको बता दूं, YouTube पे आजकल ज्ञान कम मिलता है, धंधा चल रहा है, धंधा। अब आप उस धंधे के ट्रैप में आप फंस रहे हो, बड़ा बिजनेस बन गया हो, कोई ज्ञान हो आदमी, चार किताब पढ़ने का, चार डायलॉग में भी मार सकता हूँ यार। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी चालू करूँ बहुत जल्दी। और मैं कई सारे ट्रेनर को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली, जो यूट्यूबर है बड़े फेमस, और उनकी पर्सनल लाइफ अगर मैं बताऊँ ना आपको, उनको मत बताना जाके ये। जो बताते हैं ना अपने पर्सनल जिंदगी में हमेशा अपोजिट रहते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते, ज्ञान है, ज्ञान है, लेना ज्ञान, जो काम का वो ले, बाकी छोड़। तू साला 50 वीडियो देखेगा कब काम करेगा रे? बीमारी बन गई है, ट्रैप पे मत फंसो आप, अपनी स्किल खुद डेवलप हो। मैं एक समझता हूं, जो कस्टमर सिखाएगा ना दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। और जिस भाव के साथ, जिस क्या बोलते निर्दोष भाव के साथ जो आपके लीडर सिखाएंगे, दुनिया का कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता। ये करने की आदत डालो, फिर देखो आप कैसे कामयाब। ये इसका कोई तोड़ नहीं है, फील्ड वर्क, मजा आना चाहिए फील्ड में। लोगों को फील्ड में जाने में सजा मिलती है यार, अवॉइड करते हैं काम। यार भैया अगर तू एक्टिंग में आया है तो तुझे एक्टिंग से प्यार होना चाहिए, अगर तू क्रिकेट खेलना निकला है तुझे क्रिकेट से प्यार होना चाहिए, अगर माई लाइफ स्टाइल करने आया है तो फील्ड वर्क से प्यार होना चाहिए तुझे, तो ही तू कामयाब बनेगा। अब तू बनना चाहता शाहरुख खान, ओके मेरे के सामने हे हे, तू कैसे बनेगा, कैसे बनेगा तू? फील्ड में इनको अच्छा नहीं लगता है जाना यार, क्यों नहीं अच्छा लगता है? नहीं सर रोज रोज क्या जाने का, तो रोज रोज नौकरी क्यों जाता है तू? 30-30 साल लोग जॉब करते हैं या नहीं करते? आपने देखा किसी को 30-35 साल काम करते हुए एक ही फील्ड में? आपके घर में होंगे ना, रिश्तेदार में, गांव में, समाज में, कितने लोग जानते हैं? करते हैं ना लोग। अच्छा कितना साल काम कर लेते, कोई टीचर है तो कितना साल टीचिंग का जॉब करता है? वो भी जिंदगी करता है ना। कोई डॉक्टर है तो वो भी जिंदगी वही काम करता है ना। आपने देखा कोई दांत का डॉक्टर है 2 साल के बाद बोर्ड लगा दिया, दांत का नहीं है अभी मैं ब्रेन का डॉक्टर देखा सर ये क्या चेंज कर दिया, अब तो दांत कहते नहीं रहे हो, लोगों का दांत देख देख के कंठा ला गया। मैं सोचा कुछ नया करूं, अब मैं खोपड़ी देखूंगा, खोपड़ी चलेगा चलेगा। आप किसी क्रिकेटर को देखो, क्रिकेट खेलता है, 2 साल के बाद हॉकी खेलने लगा, 3 साल के बाद बैडमिंटन खेलने लगा, देखा ऐसा? जिंदगी भर एक ही खेल खेलता है ना, एक ही काम, सालों साल आदत पड़ गई इनकी, प्रोफेशन है इनका। 30 साल कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स ही पढ़ा रहा है, फिर वो लिटरेचर नहीं पढ़ाता है। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो हिस्ट्री पढ़ाता है, फिर वो मैथ्स नहीं पढ़ाता है। सही बात है ना, पेज नंबर पैराग्राफ ऊपर से चौथी लाइन वो बता देगा क्या, सही बात है ना। आंख का डॉक्टर आंख ही देख रहा है, दूसरे का आंख देखते देखते उसका चश्मे का नंबर बढ़ गया बेचारे, लेकिन आंख ही देख रहा है 25-30 साल हो गए, सही बात है ना। 30-30 साल एक ही काम में इनको आलस नहीं आया यार। और ये माई लाइफ स्टाइल में 2 साल में बोलते सब समझ गया, क्या वही वही करूं मैं, क्या वही वही मीटिंग ट्रेनिंग, साला वही वही नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? तुमको हमने एलिमेंट दिया, ऑन एंड ऑन दिया, एमआई होम दिया, अभी इंडिया को आ गया, कुछ तो नया हम भी तो लाए हुए ना, बेचना तू।
निकलना फील्ड में, लोगों से बात करना, इसमें आलस आता है, तुझे कंटाला आता है भाई। जब तक ये हमारे लीडर को पूछो, इनको फील्ड में जाने में मजा आता है, मजा आता है इनको, और आपको सजा आती है। फील्ड का मजा तो, फील्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और आज हम लोगों की सक्सेस की वजह यह है, हम सारे लीडर्स हमारे ये फील्ड वर्क के दीवाने दीवाने। दीवानापन आपके अंदर आ गया ना, आप भी फील्ड वर्क करोगे और क्लोजिंग के मास्टर बनोगे। बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, मास्टरी हासिल कर लो, फिर देखो कैसे कामयाब बनते हो। ये कर लिए तो टीम बननी तय है, टीम बनाना सीखो। मेरी सक्सेस की वजह रही, मैंने टीम बनाने पे बहुत काम किया। शुरू में मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे थे, मुझे भी पहला चेक लेने में 2-2.5 महीने 3 महीने लग गए। करीब 2.5-3 महीने के बाद मुझे पहला चेक आया, और 4th महीने में मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम आ गई। इतनी कॉन्फिडेंस मिल गई। लेकिन एक चीज सीखा मैंने, टीम बनाना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों के पास गया, दोस्त बिजनेस में नहीं आए। रिश्तेदार के पास गया, वो भी बिजनेस में नहीं आए। मेरे पास बहुत मुश्किल से कुछ लोग आए। मैं उन लोगों को इस बिजनेस में लाया जिनसे मेरी नजदीक की पहचान नहीं थी। तो दो दूर के लोग बोलते हैं ना, हाई बाय वाले फ्रेंड, जिनसे कभी लेना देना नहीं था, क्योंकि जो नजदीक आ गया उससे फिर मैं लेने में मास्टर था और देना जानता नहीं था। मैं कई लोगों को बिजनेस में बुलाया, मेरे साथ नहीं जुड़ा। बाद में GTS में जाके देखता हूँ, साला दूसरे की टीम में जुड़ गया। बोला क्या रे, मैं बताए तो क्या हुआ था, तेरा क्या भरोसा, साला पहले का 10,000 तो दिया नहीं तूने। तब समझ में आया बिजनेस में ईमानदार होना कितना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाया, क्योंकि मेरी लिस्ट में जितने लोग थे मैंने बहुत नाम सुनी है, ना सुन सुन के कुछ लोग जुड़े। लेकिन मैंने दूसरा काम किया, मेरे लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो मेरे टीम में जुड़ गए थे उनके लोग, जो मुझे जानते भी, मुझे पता था मेरी लिस्ट पे काम करने से काम नहीं बन रहा है, लेकिन इनकी लिस्ट पे काम करूंगा तो काम, उनकी लिस्ट और मेरी फील्ड वर्क, बोला तू चल साथ में। अब हम लोग ने काम किया है। नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे कई साल हुए, मुंबई में 2005 6 जो बहुत बड़ी तूफान बरसात थी, याद है 6 वाली बारिश, 5 वाली थी ना, कंफ्यूज हो गया यार, खोल देना, 5 में थी। कितने लोग घर में बैठे थे, जुलाई का महीना था, कितने लोग घर में बैठे थे, कितने लोग बाहर फंसे थे, कितने लोग उस वक्त लोकल ट्रेन बंद हो गई थी पता आपको, ट्रेन ही नहीं चली थी। Yes. 27 जुलाई के दिन मैं और मेरे लीडर हम लोग बाइक पे निकले थाने से और अंबरनाथ पहुंचे, और वहां पे हमारी मीटिंग पहले से डिसाइड थी 27 तारीख को। उस समय नेटवर्क भी नहीं लग रहा था, फोन का भी प्रॉब्लम था। हम देखो बिजनेस की दीवानापन क्या होता है, हम दोनों निकल गए बाइक से, उसकी बाइक थी मैं पीछे बैठा, चले और पता चला रास्ते बहुत सारे बंद है। हम लोग घूम घूम के पाइपलाइन वाला रोड पकड़ के यहाँ वहां से ऐसे करके हम लोग पहुंचे, और जिसके घर मीटिंग थी मस्त पैकी सो गए थे 3 बजे। हमने उनका डोरबेल दबाया, उनकी वाईफाई तो हमको इतना जानती नहीं थी। हम लोग पूछे साहब है क्या, हाँ आहित के झोपले, बोला सांगा था ना उठवा आले माय लाइफस्टाइल वाले। अब बिचारे गई उठाई, साहब भागते भागते बमुड़े पे भाई भाई, और तुम्हें कैसे क्या है, तुम्हें हमें आलो सच चला मीटिंग चला क्या, आज कौन बैठना, दीवाना हो गया। बोला यार मान गए तुम साले, मोबाइल बंद है, रास्ता बंद है, तुम पहुंच गए मेरे घर तक,
फिर उन्होंने दो चार लोगों को बुलाया और वो मीटिंग की। आज जो दो चार लोग आज भी हमारे बिजनेस में हैं वो मैक्सिमम सिटी से और आईटीसी में। ऐसे टीम बनती, जब आप टीम के लिए सब कुछ करते हो ना, टीम आपको देखती आप क्या कर रहे हो। आपने कई बार ट्रेनिंग में सुना है ना, आप जो बोलते लोग वो नहीं करते, आप जो काम करते लोग वही काम करते। और हमको, मैंने कहा ना, काम से बहुत प्यार। वो दिन है, वो टीम एक मजबूत हमारी बनी, उसके बाद हम पीछे मुड़ के उस टीम को कभी देखना नहीं पड़ा। टीम वर्क करने के लिए कुछ चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है, उसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है आपको अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन और डाउनलाइन, टीम यानी दोनों होते हैं, उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये पहले दिन से बनना चाहिए। और आज हमारे टीम में कई लोग हैं, हम 15 साल 16 साल 17 साल से साथ में हैं। हमारी इस 15 16 17 सालों की जर्नी में अच्छे दिन बुरे दिन हमने सब देखे, लेकिन एक रिलेशन है जो हमें जोड़ के रखा, और ऐसा रिलेशन जहां पे हम कोई किसी को कुछ नहीं देते, पेमेंट हम नहीं देते, प्रोडक्ट हम नहीं देते, सब कंपनी देती है ना, हम तो एक सिस्टम का माध्यम, लेकिन रिलेशन बनाना सीखो। और आपकी टीम फोर्स के ऐसे जाबाज लीडर यहाँ बैठे हैं, ये रिलेशन बनाने के बड़े मास्टर आपके संतोष सिंह राजन सिंह। अगर आपको सीखना है रिलेशन मेंटेन करना तो इनसे सीखिए। ये अपनी टीम को एकत्र करके रखते, एक सूत्र में बांध के रखते, वैसे आप अपने लोगों के साथ मजबूत रिलेशन बनाइए। टीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है, टीम बनाने में सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सही संवाद करिए, अपने टीम के साथ रेगुलर टच में रहिए, और छोटी छोटी बातों का ना इशू मत बनाइए। कई बार होता है किसी ने कुछ बात बोल दिया, आपके दिल पे लग जाती है। मैं हमेशा बोलता है, यार तू बिजनेस करने आया, पैसे कमाने आया है, दिल पे मत लगा, दिल कहीं और लगा, यहाँ बिजनेस लगा। कैसे तुझे बात खराब, अपलाइन ने बोल दिया यार, हो सकता है कभी कभी डाउनलाइन भी हमारा कुछ बोल देता है, हो सकता है। मैं तो अपलाइन को बोलता हूँ ये हमारे गाइडलाइन है, और डाउनलाइन को बोलता है ये मेरे लाइफलाइन है, उनसे गाइड ले, ये तेरी लाइफ है, इनके साथ काम कर। बात दिल में क्यों लगती है, कुछ भी बोल दे, हो गया कुछ, गुस्से में बोल दिया, लेट गो, छोड़ उसको। कई लोग एक बात को पकड़ के सालों से बैठे, एक बात, उसकी वो बात इंपॉर्टेंट है या तेरी फैमिली की सपने इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको अपनी फैमिली के सपने इंपॉर्टेंट है ना, वो कभी किसी का बात पकड़ के नहीं बैठे। लोग बात पकड़ के काम नहीं करते, वो ऐसा कैसे बोला, तो बोल दिया, छोड़ना क्या करेगा तू, बात मत पकड़ी, गॉसिपिंग में मत फंसी। गॉसिपिंग समझते हो, लोग गॉसिपिंग घंटों, ऐसा है वो ऐसा है, उसके इतने लफड़े, और तुझे क्या करने का, किसका क्या है, बिजनेस में आया है ना, बिजनेस के मेरे टीम में बहुत लीडर है, एक से एक नमूने है, कलाकार है एक से एक। किसी को क्या है, किसी को क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा बोलता, अगर तू टीम बनाने निकला है, बिजनेस वाली टीम बनागा, याद रख, किसी के पर्सनल लाइफ में मत घुसना। जब तू पर्सनल लाइफ में घुसा, रिलेशन खराब। बिजनेस को बिजनेस ही रखो, और जब आप बिजनेस को बिजनेस ही रखते हो ना, तब सही कम्युनिकेशन होता है, सही रिलेशन बनता है, और सही टीम बनती है, और वही टीम आपको कामयाब देती है। और जब आप टीम बनाने निकलते हो, उन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। किससे बचना है, नकारात्मक, नेगेटिव थिंकिंग से, लोगों का गलत प्लेसमेंट। प्लेसमेंट है ना, जो आप आईडी अपने डाउन में लगाते हो, आपको दो लाइन मिनिमम स्टार्ट करते हो, और टॉप लेवल पे जाने के लिए कितनी लाइन चाहिए, चार लाइन। मान लो आप चार लोगों का अपॉइंट कर रहे हो, ये आपके हर बेसिक ट्रेनिंग में आना चाहिए, ये चार लीडर चार लाइन के, ये ऐसे होने चाहिए जो चारों एक दूसरे को जानने वाले ना हो, चारों एक दूसरे को जानने वाले ना हो, नंबर वन। नंबर टू, ये चारों एक ही इलाके के नहीं होने चाहिए, समझ गए आप, अलग थोड़े 10 5 20 किलोमीटर दूर के, बड़ी शहर है वहां पे दो लाइन तीन लाइन कर सकते हो, छोटा गांव है एक लाइन, दूसरी लाइन दूसरे गांव में,
लोग एक ही नगर में शिवाजी नगर में मतलब उधर भी चार लाइन खोल के बैठे, शिवाजी नगर में कुछ दिन के बाद खत्म, फिर घमासान होता है तलवार, हा माजा मानूस हा माजा मानूस। गड़बड़ तूने किया एक ही जगह, प्लेसमेंट राइट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू की थी पहली बिजनेस, मेरा पहला एक ग्रुप जुड़ा नवी मुंबई में मैडम मुदाल फंसलकर जी, चार महीने फॉलोअप करने के बाद जुड़ी, और उनका टीम से हुआ गुजरात से, एक लीडर गुजरात में काम कर रहा है, एक लीडर मुंबई में काम कर रहा है। इस तरह अलग अलग जगह पे टीमें बनाना सीखो, ये राइट प्लेसमेंट करना सीखो, टीम के पैसों का गलत इस्तेमाल करने से बचो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी लेकिन मैंने कभी टीम के पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। पता नहीं लोग कैसे इस्तेमाल कर लेते पैसा, और बड़े शान से कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। भैया जिस व्यक्ति का पैसा लिया है ना उसने बिजनेस के लिए लिया है। जिस दिन पैसा लेते हो उस हफ्ते में उसके आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम दिखना ही चाहिए। कई लोग पैसा जेब में, प्रोडक्ट किसका, उसको उसका उसको, और ये बड़ा गड़बड़ करते हो। इससे आपको बचना है, पैसे के झोलझाल से बचना है। ये बड़ा लफड़ा चलते कई सारे जगह पे, इससे बच के रहिए। अगर आप बिजनेस कर, मैंने पहले कहा बिजनेस करने आए, तुझे जितनी प्यार मोहब्बत करनी है ना माई लाइफ स्टाइल छोड़ के करनी। 130 करोड़ की आबादी भैया, यहाँ छोड़ दे, यहाँ तू पैसे कमाने का काम कर, बस बाहर जो करना है कर, मुझे लेना देना नहीं तेरे पर्सनल लाइफ से। लेकिन यहाँ मत कर ये काम, यहाँ तू धंधा कर, पैसा कमा, दूसरे टीम को लालच दे के अपने टीम में लाना, स्नेचिंग, इससे बचिए आप। दूसरे टीम के साथ ज्यादा दोस्ती भी मत करिए, ये भी ध्यान रखिए। अपने अहंकार ईगो से बचना, इन कुछ चीजों से अगर आप बच गए तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हो। मैंने अच्छे अच्छे लोग देखे लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से उनकी जिंदगी में टीम नहीं हुई। ऐसे नहीं कि टैलेंट नहीं था, नॉलेज नहीं था, बहुत टैलेंट था लेकिन कुछ गलत आदतें टीम खत्म कर दी, और इससे तो बहुत बचने की जरूरत है। हर आदमी को लगता है मेरे अंदर नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है, बस इसे जितना कम कर सकते हो कम कर दो। छोटी छोटी चीजों का ईगो बना देते, जैसे कोई डीटीसी बन गया तो सोचता मैं बड़ा आदमी बन गया, कोई एसटीसी बन गया तो उसको लगता है अब ये जिले पूरे राज्य के मंत्रिमंडल का सदस्य बन गया। अरे तू एसटीसी बना भैया, राज्य के मंत्रिमंडल में नहीं है। डीटीसी उसको लगता है जिले का महामंत्री में ही हूं, एनटीसी को लगता है वो तो मोदी जी के कैबिनेट में आ गया, सीटीसी को लगता है पुतिन मुझसे पूछ के सब काम करना चाहिए, आईटीसी को लगता है बाइडन तो मेरा ही दोस्त है। सब बकवास की चीजें, प्लीज इनसे बचिए। मैं हमेशा बोलता हूं इस धंधे में एक और अच्छी चीज भी बुरी चीज भी है। अच्छी चीज ये, यहाँ पे मान सम्मान बहुत मिलता है, मुझे भी यही मिला, सच बोलता हूं। इतना मान सम्मान माई लाइफ स्टाइल में दिया उतना जिंदगी में कहीं नहीं मिला था मुझे, लेकिन यही अपने दुश्मन भी है। ज्यादा मान सम्मान, आदमी 2 फुट जमीन से ऊंचा, कई बार आप देखते लीडर को यहां तक हार मिलती, यहां तक उसका आंख दिखता है, कई बार आंख भी नहीं दिखता है क्या बेटा, अरे 2 निकालना तब दिखेगा ना, काहे कितना सत्य माना है। अब उस हार की दुनिया में है, कई बार मैं टीसी को देखता हूँ, टीसी बन गया, हम छोटे छोटे फंक्शन करते हैं ना, टीसी को हार से लाद देते, उसके साथ उसकी वाइफ, उसके माँ बाप, बच्चे, और टीसी माइक लेता, जिंदगी में इतना हार नहीं मिला यार, इमोशनल तो हो गए। बच्चे ऐसे देखते हैं, प्लस बाप आएगा, बाप को कभी रोते हुए देखा नहीं, बाप को हमेशा चिल्लाते हुए देखा, बीवी भी बहुत। कई टीसी का जब पहली बार मान सम्मान होता है रात को घर पे लड़ाई होती है, बीवी पूछती पैसे गेले कूटे, अबे टीसी बना है बेचारे के पास, आया क्या बचेगा क्या। मान सम्मान ऐसे कि शिंदे साहब फेल है मुख्यमंत्री बन, ये बोलता मान सम्मान मत दो लिमिट में,
और प्लीज आपको जो भी मान सम्मान मिलता है, टोपी मिलती है, फेटा मिलता है, माला मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, जो भी मिलता है, आपको उस मान सम्मान को अपने साथ नहीं ले जाना, उसको उसी हॉल में छोड़ के जाना है। लेकिन मत जाओ, जब आप इस हॉल से बाहर निकलोगे आप कोई लीडर नहीं हो, आप इस माई लाइफस्टाइल के सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हो। फील्ड वर्क भूलना नहीं, क्योंकि कामयाबी बनना है। कई लोग एसटीसी 2 फुट ऊंचे, अत्ता मी 1:1 करना नहीं, मी फक्त जीटीएस मध्ये येणार आशीर्वाद द्यायला। साई बाबा क्यों बन गया रे? नहीं सर, इज्जत है कि नहीं अपनी? साला मैं स्टेट का आदमी हूं, गली गली घूमूंगा क्या? ये सोच मन में मत लाना। आज कई सारे लीडर्स को मैं जानता हूं, आईटीसी बन गए, आज भी फील्ड वर्क कर रहे, डायमंड भी कर रहे, सब करते हो ना? आज भी आप फील्ड वर्क जाते हो या नहीं जाते हो? आप पूछो, आज ये कर रहे भाई, ये लाखों रुपए कमा के कर रहे, पोस्ट भी है, इनकम भी है, और आपके पास क्या है? कईयों के पास तो पोस्ट भी नहीं, कईयों के पास पोस्ट है तो वही लेके बैठा है, और जो पोस्ट लेके बैठ गया, मैं कई लोगों को देख, बहुत फास्ट एसटीसी बना, 2 साल 2.5 साल में एसटीसी, 3 साल हो गया साला आरटीसी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? काम करने के सिस्टम को बदल दिया इसने। जितनी पहले मेहनत करता था आज वो मेहनत नहीं करता। इसको बदलो, आदतें बदलो, खास करके जो हमारे बिजनेस में फुल टाइमर है। कितने लोग फुल टाइम माई लाइफ टाइम करते हैं? ओ, काफी लोग करते हैं यार, इधर ग्रेट। लेकिन आपके लिए एक बड़ी तकलीफ भी है, जितने मैंने फुल टाइम देखे 90% फुल टाइमर 2 महीने के बाद वो आलसी बन जाते हैं। बुरा मत मानना, हकीकत बता रहा हूं। पहले नौकरी करके माई लाइफ टाइम करता था, घर से 7 बजे 8 बजे निकल जाता था, 6-7 बजे ऑफिस से छूटता था, फील्ड में जाता था, रात को 12-1 बजे आता है। अब फुल टाइम बन गया है, अब साला सोके उठता है 9 बजे, तो पहले अंगड़ाई लेता है 1 घंटा, क्योंकि तो मोबाइल देखता है ना, सोके उठता है आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो? सर आपको रात को 4 बजे भी आंख खुली ना, आपको पहले मोबाइल दिखता है क्या? बाइक को आए कि नहीं तो नहीं बगैर, मोबाइल आए कि नहीं? सच बता दो, बीवी बच्चे का ध्यान नहीं है, मोबाइल का ध्यान है, इसको आदत लग गई हमको। अब उठेगा 9 बजे, तैयार होएगा 12 बजे, फिर घर वाले बोलते लंच कर ले, फिर लंच करता है, फिर बोलता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर झपकी मारता है या वीडियो देखता है, और फिर 4 बजे बोलता है चाय ठेव, तो घर में चाय बनती है उसकी, चाय पीते पीते 5 बज गया, फिर बेचारा लाली पाउडर निकल के निकलता है कहीं घर से बाहर, 6 बज गया, पूरा दिन तो गया ना, कई का तो फुल टाइमर है। अगर आप फुल टाइमर हो, बिजनेस करने निकले, तो याद रखो कम से कम 12 घंटे आप फील्ड में रहने चाहिए। मैं भी कामयाबी 1 बजे बताता हूं, मैं जब घर से बाहर निकलता था सुबह 7 बजे 8 बजे, मेरा घर आने का ठिकाना नहीं। कई लोग देखता हूं 3 बार घर में खाना खाने जाते, इतना तो मोदी जी नहीं जाते पीएम में खाना खाने, अब ये बेचारा 3 बार जाता है। मेरी सक्सेस की एक वजह वो रही, मुझे कभी घर से फोन नहीं आया तू है किधर, फोन पूछेगा यार ना लाएगा होगा कहीं टकरा होगा, और मैं कभी घर से टिफिन नहीं ले गया, टिफिन देगा कौन सुबह 7, किधर जाता है तू 7 बजे, रात को 1 बजे आता है 2 बजे, करता क्या है तू? और कई रातें मैंने स्टेशन पे गुजारी है, कुछ स्टेशन मुंबई के जो मेन जंक्शन है, जैसे कल्याण जंक्शन है, ठाणे है, दादर है, बोरीवली है, ये हमारे प्यारे जंक्शन, कई रात गुजारे, वहां के कुत्ते भी हमें देख के पूछ लाते, भोगते नहीं ताला मारना चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ा यार, किसने नहीं देखा एसटीसी स्टेशन पे छोया है फोटो की, तो एसटीसी कौन सा मीडिया में आने वाला है तू?
कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट लोकल छूट गई, सुबह की लोकल पकड़ के निकला यार, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास टू व्हीलर क्या साइकिल तक नहीं थी, आप सोच सकते हो, मैंने ली भी नहीं, ऐसा नहीं ले नहीं सकता था, 70-80 हजार के उस समय बाईसाइकिल टू व्हीलर बड़ी आसानी से ले सकता यार, तो मेरे अंदर वो कला का भी थी। स्पोर्ट में अपन मास्टर थे वैसे भी, लेकिन लिया नहीं, पता है क्यों, साला जिसका लिया था मैं भी बाइक ले जाता, बोलता साला पैसा नहीं तो बाइक, दिमाग था थोड़ा बहुत, साला है ही नहीं, ये 12 डब्बा की लोकल जा, चार चार पांच पांच किलोमीटर में ऐसे ही पैदल घूम लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता यार मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, मजा आया काम करने में, कभी दुखी नहीं हुए। अब आप छोटी सी सक्सेस पे ईगो बना लेते हो, मेरी जिंदगी का, मेरे डाउनलाइन में लोगों ने फोर व्हीलर खरीद लिया, कई बार मेरा मजाक भी उड़ाते थे, क्या सर आप अपनी गाड़ी ली, तेरी गाड़ी देना। क्या ऐसे बोलते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप अप्लाई हो, आपको हम हाईलाइट करते, मतलब उतना ही कर जितना करना है। कई बार तो स्टेशन पहुंच के फोन किया, किधर मीटिंग है, इधर है सर, आप कैसे आ रहे हो, ऑटो से, अरे सर इज्जत है कि नहीं कुछ, बोला वही तो नहीं कमाया आज तक। एक काम करना, तेरी इज्जत है ना, तू अपनी गाड़ी लेके आ, बैठ के अपन दोनों चलते। मेरा गोल बहुत क्लियर था, मैंने कहा ना मैं लोगों को दिखाने के लिए कभी काम ही नहीं किया, मेरा गोल क्लियर था, मैंने पहले लोगों की लाइबिलिटी क्लियर की, जिस दिन मेरी लाइबिलिटी में 25-26 लाख की लाइबिलिटी क्लियर हुई ना, सच बोलता हूँ वो सुकून की जिंदगी, वो जो पल था, वो जो खुशी थी, मुझे आज तक नहीं मिली, लाइफ की सबसे बेहतरीन खुशी, जिस चाहत से मैंने बिजनेस शुरू किया, और मैंने जिंदगी में पहली बार खरीदी स्कोडा ऑक्टोविया, उस वक्त 14 लाख की थी, और मेरे टीम ने जश्न मनाया, सब लोग तालियां बजाए, मिठाइयां खिलाई, रात को घर गया 10 बजे मिठाई का डब्बा ले गया, और मेरी माँ हमेशा की तरह दुखी। बोला मिठाई ले, गाड़ी खरीदाऊ, 14 लाख की साला खानदान में किसी ने नहीं खरीदा। प्यार से बोल दे, तू कुत्ता सुधरने वाला है। बोला अब क्या किया, मैंने सुना तू फिर कब्जा लिया रे 12 लाख का। उसको डरता ये लोन क्यों लेता है। बोला तू चिंता मत कर, अपने लिए नहीं लिया हूँ, 2 लाख डाउन पेमेंट किया हूँ, 12 लाख का लोन मिला, अगर हफ्ता नहीं भरा तुझे कोई गाली नहीं देगा, गाड़ी उठा के ले जाएगा, और अपने को पैदल चलने की आदत है, तू चिंता मत कर। अपने लिए काम किया यार, अपने सपनों के लिए काम किया, डेडिकेट था मैं उसके लिए, लोगों के लिए थोड़ी काम किया मैंने, गाड़ी ली लेकिन वक्त पे, आज मैं भी 1.5 करोड़ की गाड़ी आपके हॉल के बाहर खड़ी है भाई, लोगों को 1.5 करोड़ की गाड़ी दिखती, सारा 4-4 किलोमीटर पैदल चलता था तब नहीं दिखता था भैया, 4-4 किलो का प्रोडक्ट लेके एलिमेंट वेलनेस ऐसे साला गधे के जैसे घूम रहे, तब आपको नहीं दिखा होगा मैं, वो मेहनत भी तो यार मैंने कहा ना रास्ता मुश्किल है, चलना पड़ेगा, उस मुश्किल रास्ते पे चले तब आज ये अच्छे दिन आए। आप भी अच्छे दिन चाहते हो ना, किसी ने बताया था, मिला क्या? आपको लाना पड़ेगा, किसी और के भरोसे नहीं मिलेगा, किसको लाना पड़ेगा? अपने को। इसीलिए माय लाइफस्टाइल में आए हो आप, अगर अपने अच्छे दिन चाहते तो ये चीज समझ लो, जिसने जिसने ये कर लिया वो कामयाब बन गया। क्या करना है? अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी उठाइए, लोगों को बिठाने मीटिंग में ट्रेनिंग में जिम्मेदारी है आपकी, फील्ड में जाना आपकी जिम्मेदारी, सेल्स क्लोजिंग करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट देना, लॉगिन, सब आपकी जिम्मेदारी है यार, सीखो आप, जिसने जिसने इससे पीछे हटे वो कामयाब नहीं बने, जो लोग इसका मजा लिए वो कामयाब बन गए, तो उठाओगे जिम्मेदारी? yes. तो बोलते आज से मैं अपनी टीम की, अपने बिजनेस की खुद जिम्मेदारी लूंगा। ये ले ले भाई, देख कितना मजा आता है, ये ले लो, फोकस इस पे मत कर, फोकस इस पे कर, समस्या है सब जगह है, तेरा ध्यान कहाँ है, इस पे या इस पे, वो ध्यान रखो आप। पता है अभी हमारे राष्ट्रपति की उम्मीदवार इस गवर्नमेंट ने किसको बनाया है,
द्रौपदी मुर्मू करके, कितने लोग इनके बारे में जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे। उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज करके जिला है वहां की, स्कूल में टीचर थी। टीचर के साथ इन्होंने गवर्नमेंट के एग्जाम पास किए, इनको गवर्नमेंट के एग्जाम पास किए, फिर इनको गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग में जॉब लगा। और एक आदिवासी गांव से आती है, आदिवासी महिला है, इन्हें समाज के लिए कुछ करना था, तो अपने जॉब के साथ ही आदिवासी की सेवा करने लगी, उनके समस्याओं को देखने लगी और उनके बीच सोशल वर्क करने लगी। और धीरे धीरे वहां के गांव के लोगों ने इनको पंचायत में खड़ा कर दिया, ये गांव की पंचायत में चुन के आ गई। फिर पंचायत के माध्यम से फिर ये कुछ दिन के बाद उस जिले के विधानसभा में चुन के आ गई, ये आमदार बन गई। और कुछ दिनों के बाद ये वहां के दूसरी बार जब तब में जीत के आई, आमदार बनी, तो ये वहां के मंत्रिमंडल में भी आ गई, मंत्री में भी शामिल हो गई, फिर ये लोकसभा में भी जीत गई, सांसद बन गई। और ऐसी लाइफ उनकी बेहतरीन चल रही थी, और झारखंड की ये 5 साल की गवर्नर भी रह चुकी है। लेकिन इनकी लाइफ की एक कहानी पता है लोगों की, कामयाब वाली है, लेकिन इनकी लाइफ की एक दूसरी कहानी। इनका बड़ा बेटा 25 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ के चले गए, और उस वक्त ये डिप्रेस हो गए, इन्होंने अपने सारे सोशल काम बंद कर दिए, दुखी हो गई और अपने घर में बैठ गई, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, बहुत दुखी। और उसी वक्त किसी ने, इनके घर के किसी क्लोज व्यक्ति ने इनको ब्रह्म कुमारी से जोड़ दिया। पता ना, जो आध्यात्मिक काम करते हैं, शिवानी दीदी को काफी लोग सुनते होंगे, तो उस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गई, वहां से इनको कुछ ज्ञान मिला, मानसिक स्थिति ठीक हुई, कुछ सोच बदली, और फिर भी अपनी इस दुनिया में आ गई, फिर सोशल वर्क करने लगी, आदिवासियों की सेवा करने लगी। 2013 इनकी जिंदगी का बहुत दुख भरा साल, 2013 में इनका दूसरा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया, और उसी महीने में उनकी माँ इस दुनिया से चली गई, और उसके दूसरे महीने में इनका भाई इस दुनिया से चले गया। 2014 में इनके पति भी इस दुनिया से चले गए। सोच के देखो क्या दर्दनाक कहानी है। जिनके लिए लोग जीते हैं, परिवार का एक एक सदस्य इस दुनिया से जाने लगा। और इन्होंने बताया है, इस मुश्किल घड़ी में मेरे पास कोई था तो आध्यात्मिक की ताकत थी, और वहां पे हमें यह बताया गया, आप अपने परिवार को ही मत अपना फैमिली समझो, ये आदिवासी परिवार भी आपकी फैमिली है। मैंने अपनी जिंदगी इन आदिवासियों की समाज के लिए दी, सोच पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी आप उन्होंने उनकी समाज की सेवा के लिए। और आज भी छोटे से घर में वो रहती हैं, बहुत ही साधारण जीवन है उनका, वैसी मंत्री नहीं है जो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते, बहुत साधारण शुद्ध भाव से समाज सेवा की है। और देखो जिंदगी ने कहा ना, समय बड़ा ताकतवर होता है। आज जो जिस राष्ट्रपति बनना उनका तय है, और जिस राष्ट्रपति भवन में जाएंगी, छोटे से घर से निकल के 750 एकड़ के घर में जा रही है, जिसमें 200 एकड़ का गार्डन है, और वहां पे तकरीबन 700-800 कर्मचारी काम करते हैं। ये होता है लाइफ, अगर आप शुद्ध फोकस आपका सही होगा तो। समस्या है सबके लाइफ में, किसके लाइफ में नहीं है, लेकिन आपका फोकस कहां होना चाहिए? सॉल्यूशन। आप काम से प्यार करिए, माय लाइफस्टाइल से कामयाबी मिलना तय है यार। आप लीडरशिप लाइए अपने अंदर, अच्छे लीडर बनने की कोशिश करिए, टीम में उत्साह बनाइए, टीम में लीडर बनाइए, कामयाबी तय है आपकी। और उसके बाद आपको ये करने की आदत, एक्शन के मोड में रही, ना कि बातें करिए। कई लोग बातों के मास्टर है, आपको क्या बनना है? एक्शन का मास्टर। करना चाहोगे एक्शन? yes. और एक्शन कैसा होना चाहिए? हमेशा हंसता मुस्कुराता, मजा आना चाहिए। जब भी घर से निकलो ना, माय लाइफस्टाइल के लिए एक सेकंड के लिए दरवाजे पे रुको, मोबाइल देखो या आईने में देखो अपने चेहरे को, और अपनी स्माइल लेके घर से बाहर निकलो, तब मजा आएगा। हंसते हुए बाहर जाओ ना। आप किसी होम मीटिंग में, ट्रेनिंग में जाते हो ना, हॉल में या किसी के घर में घुसने से पहले 1 मिनट रुको, अपने आप को याद करो, चेहरा कैसा होना चाहिए,
किसी का डोर बेल बजाओ, दरवाजा खुले तो अपनी बत्ती सी आलो। साधक तू जाता है उदास बनके, अपने घर पे भी रात को जाओ ना तो दो मिनट के लिए रुकने का, एक मिनट के लिए बेल डोर दबाने से पहले चेहरे पे भले रात को 12 बजे जाए, साला स्माइल हंसते हुए भाई को खुश आला रे आदमी है, आदमी इंसान हंसते हुए आता हंसते हुए जाता है, तू साला दुखी भले चार गाली मिलेगा हंसते हुए जा यार। फील्ड में हमेशा कैसे होने चाहिए, माई लाइफ स्टाइल करवाओ, जिंदगी के सपने पूरे करने निकला यार, मजे के साथ करूंगा, ये भाव होना चाहिए तभी कामयाब बनेगा। सवालों में मत अटक, आखिरी में आप 5 मिनट और लेता हूँ बताता हूँ, सवालों में मत अटक, अपने आप को एक्शन करना है तो किस में रहेगा तू, सवालों में नहीं गोल पे फोकस कर, अपने कर्मों पे ध्यान दे, रिजल्ट पे मत ध्यान दे, लोगों को रिजल्ट चाहिए। मैंने एक चीज सीखा है, समय आने पे सब मिलेगा, और आप भी कई बार सुनते हो ना गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म कर यार फल की चिंता मत कर, माई लाइफ स्टाइल में उल्टा कर दे, पहले फल दे फिर काम करता हूं, कौन फल देगा, अपलाइन तू दे या कंपनी तुम ही दे दो कुछ, मैं तो दिया ना 10,000 और क्या दू, दिया ना सामान, अबे लिया तो अपने लिए लिया ना भाई, काम करना फील्ड में, याद रखो जैसा कर्म करोगे वैसा, तेरे भाव कैसे कर्म करने के उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, अगर तेरे भाव सही है कर्म करने के तो कामयाबी मिलनी तय है। तो कितने लोग आज से जब कर्म करने निकलेंगे तो एकदम उत्साह के साथ निकलेंगे, कमिटमेंट के साथ निकलेंगे, आपके लीडर जो आपको स्ट्रेटेजी बता दे, जो प्लानिंग बता दे, उस प्लानिंग पे काम करेंगे, कितने लोग ब्लाइंड फेथ रखेंगे अपनी कंपनी पे अपने लीडर पे करके दिखाएंगे, मेरे सक्सेस का राज ये सब बताता हूं। मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता सच बताओ मुझे आज भी नहीं समझ, बड़ा मुश्किल होता है जब मैं किसी मीटिंग ट्रेनिंग में जाता हूँ, 2 सेकंड मुझे भी थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन बाद में एक ही सोचता है तू क्या जो आता है बोलना, मुझे पता है लोग मुझे नहीं सुन रहे, मेरे क्राउन डायमंड को सुन रहे, काम कर, मैंने हमेशा काम में विश्वास किया, जिस भाव के साथ काम करोगे, दुखी भाव के साथ काम करोगे दुख मिलेगा, याद रखो टेंशन भाव के साथ काम करोगे तो टेंशन आएगा, पैसा आएगा लेकिन टेंशन वाला पैसा आएगा, दूसरे को गाली देके काम करोगे तो लाइफ में गाली मिलेगी, आप कैसे कर्म करते हो, कर्म हर कोई करता है लेकिन आप कैसे करते हो, मैंने माय लाइफस्टाइल में शुद्ध भाव से काम किया, जिंदगी में बहुत तकलीफें थी मेरे पास भी, लेकिन मेरा फोकस अपने काम पे रहा, और आज मैं सारी कहानी बताता हूं, मेरे जितने लीडर है पूछो मैंने कभी किसी को बताया नहीं मेरे लाइफ में कितनी मुश्किल थी, साला अपने डाउनलाइन को बताता कब के भाग गया होता, साला तू ही मुझसे हमको क्या बताएगा, मैंने किसी से मांगा भी नहीं, पूछ लो, शुद्ध भाव से काम किया, आज मेरे टीम में कई लीडर्स है यार, एक से एक गजब के लोग है, मैं हमेशा बोलता हूं आज अगर आप हिंदुस्तान की कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी ले लो जो लग्जरी गाड़ियां बनाती है, टोयोटा हो गई, फॉर्चुनर हो गई, होंडा हो गई, या फिर BMW, मर्सिडीज, ऐसी गाड़ियां, आज ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो हमारे टीम के लीडर यूज नहीं कर रहे, और जब इस बिजनेस में आए थे तो कुछ नहीं था उनके पास, कोई 2-व्हीलर पे थे, और आज सबकी लाइफ में बड़ी चेंज, आज इनका घर देखोगे तो छोटे से चौल में या मकान से उठ करके आज ये 5 करोड़ 6 करोड़ के फ्लैट में या बंगलों में चले गए, क्या है ये, हर तरह के लोग हैं, हमारे नांदेड़ के दत्ता लिंबोले पत्थर तोड़ने वाला आदमी यार, जब मैं स्टोरी सुना तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया, उनके टीम में एक उनके रिलेशन में लगता शायद उनका भांजा है कृष्णा करके, NTC बहुत जल्द CTC बनने जा, ट्रैक्टर चलाता था दूसरे के खेत में, मैं उसको पूछा तेरी सर मेरे पास सेठ जमीन है ही नहीं, अभी मैंने सेठ जमीन खरीदी, मैं दूसरे के खेतों में काम करता था ट्रैक्टर, आज इस बिजनेस में करोड़ रुपए कमा ले यार, कितनी बड़ी बात है, हर तरह के लोग हैं, DH कदम सर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हुआ आदमी, 15 साल अपनी जॉब की जिंदगी से परेशान, आज इस बिजनेस में आए, 6 करोड़ के घर में रहते यार, जगवा वो BMW को लेके घूमते, क्या लाइफ चेंज होती यार,
आज हमारे कई लीडर के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे, कईयों के जा चुके हैं, कोई यूएस में है, कोई इंग्लैंड में है, आज अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे। क्या है ये माई लाइफ स्टाइल? के एक प्राथमिक स्कूल का टीचर किशोर हिवे सर आज इस बिजनेस से करोड़ों के मालिक बने हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल से तात्या इंगले, एक सोलापुर के जिले से निकल के पुणे के MIDC में काम करने वाला आदमी, महीने के 7,000-8,000 की नौकरी करने वाला, इस साल की उसकी इनकम आप बिलीव नहीं करोगे, इस साल की उसकी इनकम 2 करोड़ रुपए की इनकम है इस साल फाइनेंशियल ईयर में। क्या इनकम है यार, ITC प्लेटिनम है। नंबर ऑफ लीडर से ललित डोंगरे, जो ज्वेलरी के दुकान के बाहर बैठ के मनी गुनता था, मंगलसूत्र की ज्वेलरी की दुकान के बाहर, दिन का 200 रुपए कमाने वाला, 300 रुपए कमाने वाला, आज BMW से घूम रहा है। अनबिलीवेबल एग्जाम्पल है। 22 साल की एज में, 21 साल की एज में जुड़ने वाला गणेश सोपारकर, आज उसके पास 2-2 फ्लैट है, करोड़ों रुपए का उसके पास म्यूचुअल फंड और शेयर्स में पैसे हैं। क्या लाइफ है यार इनकी। सागरकर जी रेलवे में मिनिस्टर लॉ ऑफिसर, महाराष्ट्र सरकार ने उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी दिया था, अलग पोस्ट थी। और ये मुझे खुद को नहीं पता, 4 साल बाद पता चला ये जज भी था। जब पहली बार मिला तब उनके अपलाइन वाला ये जज है, मतलब फेंक रहा है तो। क्योंकि मैं उनको पूछा, तुम मुझे को जानते हो क्या, कौन से कोर्ट में? तो मेरा भी 1-2 केस चल रहा था। बोले ठीक है, हो गया, छोड़ना, अपने को क्या करना है। 4 साल विश्वास और सच में है नहीं। ऐसे हर तरह के लोग आए यार। आज कामयाबी आप ले लो, गांव में ले लो, शहर में ले लो, हर जगह लोग कामयाब है। क्यों कामयाब बने पता है? ये अपने कर्मों पे ध्यान दिए, ना कि फल पे ध्यान दिए। और याद रखो, आज जैसा कर्म करोगे वैसी आपकी जिंदगी बनेगी। निर्णय आपको करना है, आप कैसा कर्म करना चाहते हैं। जाते जाते एक छोटी सी कहानी कर्म की बता के जाता हूं। कर्म कितना बलवान होता है ये भीष्म पितामह से पूछिए। जब वो अपनी अंतिम उसमें थे तो किस पे थे पता है ना? बाणों की सैया पे थे। भगवान कृष्ण एक बार आए, उन्होंने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ये मिला? कुछ तो मेरा पाप होगा जो इस जन्म में मैंने, लगता नहीं मैंने पाप किया कभी। तो भगवान तो सब कुछ जानते, जन्मों जन्मों को जानते। बोले एक जन्म में आपसे गलती हुई थी। बोले क्या हुई थी प्रभु बताइए? उन्होंने कहा था, एक जन्म में तूने कीड़े को, जो तेरे घोड़े पे बैठ गया था, उस कीड़े को कई सारे पैर होते, तूने अपने तीर से उठा के फेंका था, और जब तू फेंका तो एक कटीली झाड़ी पे जाके उल्टा पीठ के बल गिर गया, और वो कीड़ा निकल नहीं पाया उस कटीली झाड़ी से। 8 दिन तक वहां पे तड़प रहा था और तड़प तड़प के मर गया, और वो पाप तेरे सर पे आ गया। लेकिन तेरे पुण्य इतने अच्छे थे कि उस पाप को भोगने का तुझे वक्त कभी आया ही नहीं। ये पुण्य बड़े कमाल के थे। तो बोले मैंने ऐसा क्या गलत काम किया कि मेरे पुण्य खत्म हो गए? तो भगवान ने एक ही चीज कहा, जब द्रौपदी जी के साथ अन्याय हो रहा था तब तेरे पास ताकत थी, तू रोक सकता था, लेकिन तूने आंखें मूंद ली अपनी, और उस दिन तेरे सारे पुण्य खत्म हो गए, और उस पाप की सजा आज के दिन मिली। 8 दिन के बाद वो कीड़ा मरा, 8 दिन के बाद इन्हें भी मुक्ति मिली उस सैया से। और यही होता है कदम। आज आप फील्ड में निकलते हो, माई लाइफ स्टाइल दिल से करते हो, तो लिख के देता हूं 2025 में से आपके कई लोग आके यहाँ बोलेंगे, मैंने अपने जिंदगी के सपने को जिया है। आज आप यहाँ से निकलते हो और एक्शन करते हो, 2027 में यहाँ बैठे हुए कई लोग बोलेंगे, मैं भी इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा के अपने परिवार के सपने को पूरा किया है। अगर आज आप तकलीफ सहते हो, अगर आज आप मुश्किल सहते हो, आने वाले चंद सालों में आप भी यहीं पे आके बोलोगे, मैं भी इस धंधे में आया, कामयाब बन के दिखाया हूं। क्योंकि आपको पता नहीं माई लाइफ का इतनी ताकत क्या है। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो या जो लोगों को देते हो, उसकी कभी मार्केट की कीमत देख लेना। हम टूथपेस्ट बेचते ना, टूथपेस्ट, पता है टूथपेस्ट की ताकत क्या है? हमारे देश में तकरीबन 6,000 करोड़ का टूथपेस्ट बिकता है भाई।
कितने का? 6000 करोड़। सुबह सुबह दांत में लगा के थूकते आप 130 करोड़ हिंदुस्तानी की थूकने की ताकत 6000 करोड़। आप समझे ये मल्टीनेशनल कंपनी क्यों पागल है? आप जो सोप इस्तेमाल करते हो 19000 करोड़ की सोप की मार्केट है। एक एक सोप 2-2, 3-3 हजार करोड़ का बिकता पिछले कुछ सालों से संतूर नंबर वन पे। क्यों संतूर नंबर वन पे? उसके एड देखिए आपने क्या बताता है। एक छोटी सी लड़की पूरा माइंड चेंज कर देती है। छोटी सी बच्ची, एक कॉलेज में कोई लड़की जाती, सब बोलते नई लड़की कौन आई है, अब इतने में छोटी सी बच्ची बोलती मम्मी। अब उसका मम्मी बोलना 3000 करोड़ का साबुन बिका। ये हमारे दिमाग से खेलते भाई। 17000 करोड़ की लॉन्ड्री केयर की साफ मार्केट है, जिसके अंदर सर्फ, एरियल, घड़ी डिटर्जेंट ये काम करती है। सालों से घड़ी डिटर्जेंट एक ही वाक्य बोलती, पहले इस्तेमाल करो। 3500 करोड़ की घड़ी डिटर्जेंट इस देश में बिकता है एक साल। समझ रहा है आपको? आयुर्वेद का मार्केट 80000 करोड़ का मार्केट है। आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट बोलती है 80000 करोड़ का आयुर्वेद हमारे देश में। आप समझे बड़े बड़े बाबा क्यों इस धंधे में है? सच में बोलता हूं, मैं बाबा रामदेव जी का बड़ा भक्त हूं। तो उस आदमी ने जो काम किया है ना, आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, और उनका दावा है 2025 में हम इस देश की नंबर वन एफएमसीजी बनेंगे। तो बाबा को सैल्यूट है। सच बोलता कुछ भी कर सकता है। बाबा को देख के मैं इसलिए मोटिवेट होता हूँ, ये साला इतनी बड़ी दाढ़ी बना के लुंगी पहन के इतना बड़ा कंपनी बना दिया। अपन साला कोट टाइप पहन के 1000-2000 का माल नहीं बेच पा रहा। शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर यार। सीखो उससे, 80000 करोड़ के मार्केट में है। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बेचते हो, पता है इंडिया में क्या मार्केट है? 54000 करोड़ का मार्केट है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर का मार्केट आया है। अभी हमारे सर थे ग्रीन रूम में, बोले थे राजेश तुझे पता नहीं ये लाखों करोड़ का मार्केट है एग्रीकल्चर। एक एक प्रोडक्ट का 1000-1000 करोड़ का मार्केट है। आप अभी भी वही सोच में पड़े, मैं क्या खरीदू, क्या बेचू, किसको दू, कोई जुड़ता नहीं, कोई आता नहीं। अरे इतना दलिद्री तू है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चलो तेरी सोच नहीं छुपी है, लाखों करोड़ का माल बिक रहे, बड़ी बड़ी कंपनी बेच रही, बाबा लोग बेच रहे, साला अपने को बेचने में शर्म आ रही है। इतने बड़ी मार्केट में है, तो इस मार्केट को समझ। और जिस दिन तू ये समझ गया इस बिजनेस को ना, मैं गारंटी देता तू जी जान लगा देगा, जी जान लगा देगा। लॉकडाउन में पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल, टर्नओवर हमने तकरीबन 1100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया। कभी कभी पता है उसका पेआउट, समझो 1000 करोड़ कंपनी टर्नओवर करती तो रुपीस में अगर आप हमारा बिजनेस समझोगे तो कभी कभी हम लोग रुपए में 50% के आसपास हम पेआउट करते, यानी 500 करोड़ रुपया कंपनी बांटती है फील्ड में। अगर 2 साल पहले कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया तो 500 करोड़ लोगों को दिया यार। इसमें देखो बाहर की दुनिया में मंदी है, लेकिन जो माय लाइफस्टाइल दिल से किया, ये लीडर से पूछो सर, लॉकडाउन में आप सबका इनकम ज्यादा आया होगा, आया या नहीं आया? ये सब लॉकडाउन में ज्यादा पैसे कमाया इस मार्केट की ताकत की वजह से। ये आपको समझ ही नहीं रहा है। अगर लॉकडाउन में इतना कमा सकते हैं, अब सोचिए अगले 5 साल में। मैं कभी सोचता अगर अगले 5 साल में माय लाइफस्टाइल अगर 10000 करोड़ कर लिया, 5000 करोड़ भी कर ली, या 2030 में समझो 10000 करोड़ पे पहुंच गए, एक मेरी उम्मीद है इसी, अगर हम 10000 करोड़ का बिजनेस कर लिए तो कितना पे आउट होगा पता है? 5000 करोड़। ये हमारे जैसे लोगों के बीच में बढ़ेगा। अब आप सोचिए अपने आप को कहां देखते हो, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को देखो, क्या दिखता है आपको? इस बड़े महासमुद्र में आप कहां पे रहोगे? अगर उस वक्त आप अपने आप को देख रहे हो यार मेरे घर पे भी साल का 5 करोड़ आ रहा है, तो तू जिंदगी में सबसे बड़ा इतिहास लिख सकता है। अगर आज वो देखेगा तब लिखेगा तू,
इस बिजनेस की ताकत को समझिए, इस कंज्यूमर की ताकत को समझिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने समझा, लेकिन हम और आप साधारण लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। प्लीज इससे बाहर आइए और ये आने वाले दिनों का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। और मैं लिख के देता हूं, आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे संसद में जब बजट पेश होगा तो गारंटी में बोलता हूं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट सेल्स के बारे में दो लाइन जरूर बोलेंगे, ये कितना बड़ा टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। और उससे सबसे बड़ी बड़ी बात, इस इंडस्ट्री ने कितने लोगों को स्वयं रोजगार दिया है। और आज माई लाइफ स्टाइल की ताकत बतावा, हिंदुस्तान के नक्शे पे आप उंगली रखिए, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कोहिमा तक, आप कहीं पे भी जाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट में कहीं पे भी आप हिंदुस्तान के किसी राज्य पे नहीं, किसी जिले पे उंगली रखिए, उस जिले में माई लाइफ स्टाइल से लाखों रुपए कमाने वाले लोग आपको दिखेंगे। बहुत जल्द 4-6 सालों के अंदर मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में माई लाइफस्टाइल का कोई कामयाब लीडर ना हो। और हमारी ग्रेट मेंटर का सपना है, जिन्हें मैं भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा देता हूं, और इस दुनिया इस धरती के मेरे भगवान हैं वो, ऐसे माननीय प्रवीण चंदन सब होते हैं जिनसे वंदन करता हूं, जिनका ये सपना है हर गांव में, उस गांव के अगर टॉप 10 लोगों की गिनती होगी, टॉप के 10 लोग, उसमें कम से कम एक माई लाइफस्टाइल वाला होना ही चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले चंद सालों में इस इंडस्ट्री जो क्रांति लेके आई है, जो आपके लीडर्स मेहनत कर रहे, जो टीम फोर्स की ताकत लगी है, अगर इस फोर्स को हम सही डायरेक्शन में लगा देते हैं तो टीम फोर्स का भी झंडा पूरे हिंदुस्तान में दिखना चाहिए। जैसे माय लाइफ स्टाइल के हर गांव में सक्सेसफुल लोग होंगे, क्या उसमें से आपका नाम होगा? Yes! टीम फोर्स को अपने लीडर को ये वादा कर सकते हो? Yes! कितने लोग अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? Yes! और कितने लोग अपने समाज के सबसे सक्सेसफुल अमीर इंसानों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं? बनना चाहते हो? Yes! करके दिखाना चाहते हो? Yes! जाते जाते आपको कसम दे के जाता हूँ, लोगे कसम? Yes! किसकी कसम? तुम बोले तेरी खाता हूं, सब झूठ कसम खा के मुझे ही मारो, अपनी अपनी तो सब खाते हैं यार। आपको उसकी कसम है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब याद करो किसको प्यार करते हो। और जो लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने फैमिली से, वो अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, बाकी के बैठे रहेंगे। सब खड़े हो गए, सब प्यार करते हो अपनी फैमिली से। तो आपको आज ये वादा है उस व्यक्ति का जिसके लिए आप दिल की धड़कन धड़कती है, जिसके लिए आप दिन रात चिंतित हो सकता है आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ होंगे, या आपके बच्चे होंगे। आप याद करो एक सेकंड के लिए उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लाओ और देखो ये आपसे कुछ चाहते हैं, इनकी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, और ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जिंदगी को बेहतरीन बनाएंगे, और ये चाहते हैं आप इनके सपने को पूरा करो। और इनकी इसी चाहत की वजह से, इनकी इसी प्रार्थना की वजह से, इनकी इसी दुआओं की वजह से आज उस ऊपर वाले ने आपको माई लाइफ स्टाइल दिया है। और उस माई लाइफ स्टाइल को समझने के लिए, उसके काम करने के लिए आपके से टीम फोर्स के बेहतरीन लीडर्स दिए हैं। और ये लीडर्स हम सब माई लाइफ स्टाइल आपको ये वादा कर रहे हैं, आप किस परिवार को सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप जितनी मेहनत करने को तैयार है, उतनी हमारे ये लीडर भी मेहनत करने को तैयार है। हमारा आपसे वादा है, क्या आप ये वादा कर सकते हो हमसे? Yes! आप भी मेहनत करने को तैयार हैं? Yes! क्या आप भी अगले 4-6 साल में कामयाब बनना चाहते हैं? Yes! क्या अपने फैमिली के सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं? Yes! आइए हम सब मिलके जी जान लगाते हैं, एक्शन पे उतरते हैं,
उस ऊपर वाले से जाते जाते यही प्रार्थना करूंगा, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, जैसे मुझे सोच दी, मेरे लीडर को सोच दी, वैसे आपकी सोच बनाए, आपको इस बिजनेस को समझने की ताकत दे, यहाँ पे काम करने की, मेहनत करने की सद्बुद्धि दे। और उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा, आपके आपके परिवार के सारे सपने हकीकत में बदले और जिंदगी को खुशहाल जीए, अपने समाज के, अपने गांव के सबसे कामयाब इंसान बनिए। और आपकी फैमिली आप पे फक्र करनी चाहिए कि हमारे घर में एक व्यक्ति था जिसने हमारी पूरी फैमिली की दुनिया बदल दी और हमारे सपने को पूरा करके दिखाया। बहुत धन्यवाद वाले से ही दुआ करूंगा, हे भगवान इनकी इस सोच को कामयाब बनाए। विश्व ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।